आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां जाकर हरबीर सिंह सर्च करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो आज हम जीके की जो 15 टॉप 15 क्वेश्चन है, सुपर 15 क्वेश्चन है, उसकी सेकंड जो वीडियो है वो लेके आए हैं। और अच्छा लगा कि आपको लास्ट वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो इस वीडियो में भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो खट्टा दूध हो जाता है तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ये होता है लैक्टिक एसिड। जो खट्टा दूध होता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद जो गरबा है वो कहाँ का लोक नृत्य है। तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, ये आप ध्यान रखें। हालांकि लोक नृत्य की जो और वीडियोज है मैं जरूर बनाऊंगा ट्रिक के साथ, और इसका मैं बता देता हूँ। गरबा को हम समझेंगे गर्व, क्योंकि गुजरात से मोदी जी हैं तो उनके लोगों को गर्व होता है कि हमारे यहाँ से मोदी जी हैं। तो ये हो गया गरबा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी, या पहली महिला कौन थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिनको भारतीय रत्न मिला था। इसके बाद जो नेल्सन मंडेला है, आपने नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला, उन्हें क्या कहा जाता है, अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, तो नेल्सन मंडेला, आप ये ध्यान रखें। इसके बाद क्वेश्चन है, वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कौन सी रही थी, तो वो थी कराची। हालांकि उसके बाद भी रावलपिंडी रही थी, बाद में फिर ये इस्लामाबाद जो अब है, मतलब कराची के बाद भी जो राजधानी थी वो बदल गई थी, रावलपिंडी हो गई थी, उसके बाद में फिर इस्लामाबाद हो गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये देखते रहें। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जो गुब्बारे होते हैं, गुब्बारे में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ये है हीलियम। जो गुब्बारे होते हैं इनमें कौन सी गैस पाई जाती है, तो हीलियम गैस पाई जाती है। हालांकि पहले हाइड्रोजन गैस डाली जाती थी, लेकिन हाइड्रोजन गैस बहुत खतरनाक होती है और वो आग जल्दी पकड़ जाती है, तो इस वजह से वो नहीं डाली जाती। अब क्या है, हीलियम गैस डाली जाती है। इसके बाद जो पीतल है, क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया, आप ये नोट कर लेना, जो पीतल है वो तांबा और जिंक से बनता है। तांबा और जिंक का मिश्रण है पीतल। अब क्वेश्चन आ जाता है कि पीतल क्या है, तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्रण, ऐसे करके मतलब ऑप्शन आ जाते हैं। तो तांबा और जिंक का मिश्रण क्या है, पीतल, या पीतल किससे बनता है, तांबा और जिंक से। इसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है, सहारा। सहारा जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वो है सबसे बड़ा विश्व का मरुस्थल है, और ये कहाँ पे है, अफ्रीका में है। और भारत का पूछा जाए तो थार होगा, और एशिया का पूछा जाए तो गोबी। गोबी आपको पता होगा मंगोलिया और चाइना के आसपास है ये। इसके बाद क्वेश्चन है, जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ओजोन परत कहां पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ये असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन ये किसके लिए फेमस है, तो ये है एक सींग वाला जो गेंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहां पर है, असम में है। इसके बाद और क्वेश्चन है, दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। 67 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में। दिल्ली में विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, 67 है। इसके बाद है, जो पूना समझौता हुआ था वो बी आर अंबेडकर और एम गांधी के बीच में हुआ था, मतलब भीमराव
अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था पूना समझौता 1932 में। इसके बाद है अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का जो माध्यम बनाया था कब बनाया था 1835 में। 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाया था। इसके बाद है लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, बहलोद लोधी। बहलोद लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। इसके बाद क्वेश्चन है जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है, तूतीय ए हिंद या भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो गाइस उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे लगे होंगे। ये क्वेश्चन डीएसएसबी केवीएस और किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।